हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा टेस्टी वर्ल्ड। तो चलिए आज बनाते हैं गणपति बापा के प्रिय मोदक की रेसिपी। बड़ी आसान रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी है, बट आज हम थोड़ा सा यूनिक तरीके से इसे बनाने वाले। देखिए इसके लिए हमने आप 1 कप चना दाल लिए हैं। इसे पहले अच्छे से क्लीन करिए, बाद में इसे 3-4 बार पानी से वॉश करना है, फिर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो कुकर में हम 3 कप पानी डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ा सा नमक डालना है, बाद में जो दाल हमने ली थी उसे अच्छे से वॉश करके इसमें डाल देना है, और फिर 5 विसल आने तक वेट करेंगे। 5 विसल आने के बाद तुरंत गैस को बंद कर देंगे। पूरी तरह से स्टीम जाने के बाद ही हम इसका ढक्कन निकालेंगे। तो मोदक के लिए हम गेहूं का आटा गूंद के लेंगे। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम नमक डाल देंगे, 1 स्पून घी डालना है, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटा गूंदेंगे। अगर आपको मोदक बड़े स्वादिष्ट बनाने हैं तो आप यहाँ पानी की जगह दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर भी इस आटे को बढ़िया सा गूंद के ले सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अभी मैं पानी ही डालकर इसे गूंद रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी मैंने ढेर सारी मोदक की रेसिपी अपलोड की है, अगर आपने वो भी वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। तो उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, तो आप जरूर प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके का आटा गूंद के लेना है, लूज या पतला बिल्कुल भी नहीं बनाना, इसी तरीके का थिक आटा गूंद के लेंगे। तो अभी ये देखिए बढ़िया सा बन चुका है, इसके ऊपर से मैंने घी लगा दिया है। इसे थोड़ी देर साइड में रखेंगे, तब तक देखते हैं कि जो दाल हमने पकने के लिए छोड़ दी थी वो पकी है या नहीं। तो देखिए पूरी तरह से स्टीम जाने के बाद ही मैंने इसका ढक्कन निकाला है, तो दाल देखिए कुछ इस तरीके से पक चुके हैं। हम हाथों से भी देखेंगे तो ये बढ़िया सी पक चुकी हैं। तो हम इसे एक छलनी में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसका पानी सेपरेट कर देंगे। तो पूरन पोड़ी बनाते टाइम जिस तरह से हम पूरन बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से इसकी भी प्रोसेस है फ्रेंड्स। तो आज हम स्पेशली पूरना से मोदक बनाने वाले हैं। देखिए ये जो पानी है उसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना, इसे आप सब्जी बना सकते हैं, आमटी बना सकते हैं। एक कढ़ाई में हम लेंगे घी, 1 स्पून घी डाल देना है। उसके बाद जो दाल का पानी हमने निकाला है उसी दाल को इसमें डाल देंगे, बढ़िया सा भून के लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। तो हमने यह 1 कप चना दाल ली थी, इसलिए 1 कप ही गुड़ डाल देंगे, इतना गुड़ इनफ हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे, जब तक ये थिक नहीं बनता तब तक हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। बड़े स्वादिष्ट मोदक बन के रेडी हो जाते। एक ट्रेडिशनल तरीका है ये, पहले के लोग इसी तरीके के पूरन के मोदक बनाते थे। तो अभी देखिए दाल थोड़ी सी थिक हो रही है, और थोड़ी देर हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। बड़ी सी थिक होने के बाद ही हम गैस को बंद कर देंगे। तो थोड़ी देर के बाद हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद बड़े स्वादिष्ट लगते हैं ये मोदक। देखिए अभी हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इसी में हम डालेंगे सौंठ और सौंफ के पाउडर, उसे भी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी ये अच्छे से हो चुका है थिक, तो हम गैस को बंद कर देंगे, पूरी तरह से ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम फटाफट से मोदक बनाएंगे। तो जिस तरह से हम पूरन बनाते हैं उसकी स्मूथ पेस्ट बनाते हैं, उस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं करना, इसी तरह से छोड़ देंगे। तो अभी देखिए ये ठंडा हो चुका है, तो हम क्या कर देंगे, स्मॉल सा नींबू के साइज़ का एक बॉल निकालेंगे, और फिर हाथों से इस तरह से कैप बनाएंगे। पहले के लोग जिस तरह से इस मोदक को बनाते थे ठीक उसी तरीके से आज हम बनाने वाले। इस तरीके से कैप बनाएंगे और बाद में इसके अंदर हम फिलिंग को भर देंगे। तो आपको कितनी फिलिंग पसंद है उतनी आप इसमें डाल सकते हैं। अभी देखिए एक फिलिंग का बॉल हम बनाएंगे और इसके अंदर रख देंगे, और फिर जिस तरह से हम मोदक बनाते हैं ठीक उसी तरीके से इसकी कलियां बनाएंगे। अगर आपको कलियां बनाना नहीं आता तो मैं आगे एक नई ट्रिक आपको दिखाने वाली हूँ। तो एंड तक वीडियो पर बने रहे फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। देखिए इस तरीके से हम मोदक बनाते हैं। मोस्टली जब हम आटे से मोदक बनाते हैं तो इसी तरीके से बनाते हैं, तो ऊपर का जो रहता है उसे तोड़ देंगे और बाद में देखिए इस तरीके से बनाएंगे, और फिर इसकी कलियां हम इस तरह से शेप देके निकालेंगे। तो ये भी मोदक बढ़िया लगता है देखने में, बहुत ही प्यारा लगता है और अच्छा लगता है खाने में भी। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, बट इस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग है। तो आगे मैं आपको दूसरा वाला मेथड दिखा देती हूँ। तो देखिए ये मोदक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो दूसरा वाला मोदक बनाने के लिए हम फिर नींबू की साइज़ का एक बॉल निकाल कर लेंगे आटे में से, और इस तरह से कैप बनाएंगे, और बाद में जो
फिलिंग है उसका भी एक बॉल बनाएंगे, इसके अंदर भर देंगे। सिंपली हम इसे प्लेन ही बनाएंगे, तो इसके लिए कलियाँ वगैरह कुछ भी नहीं बनाना। देखिए इस तरीके से बनाने के बाद ऊपर वाला जो रहता है आटे का थोड़ा सा थिक पोर्शन, उसे भी निकाल देंगे और इस तरह से दबा के ठीक कर देंगे। तो अभी देखिए ये इस तरीके का प्लेन वाला मोदक बन चुका है। तो आप चाहे तो इसी तरह से छोड़ सकते हैं, बट नहीं, हम इसके ऊपर एक डिज़ाइन बनाने वाले। तो पहले हम क्या करेंगे, सभी मोदक को फटाफट से बनाकर ले लेते हैं और बाद में इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए इतने सारे मोदक मैंने बना लिए हैं, तो हम यहाँ लेंगे एक चम्मच, इस तरीके का फोक लेंगे और इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बन जाएगी। बहुत ही प्यारा लगता है इस तरीके का मोदक, दिखने में बहुत ही यूनिक लगता है। सो आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए फ्रेंड्स, आपने इस तरीके का मोदक कभी भी नहीं बनाया होगा, तो इसे देखकर लोग भी कहेंगे कि अरे इस तरीके से इन्होंने ये मोदक बनाया होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप चाहे तो इसे फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे पका के भी ले सकते हैं। आपको जो तरीका सही लगे उस तरीके से आप इसे बना लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इतने सारे मोदक मैंने बना लिए, बहुत ही प्यारे से क्यूट वाले मोदक बन के रेडी हुए हैं। हम इसे फ्राई करेंगे, तो गैस की फ्लेम मीडियम रख के ही हम इस मोदक को फ्राई करेंगे। तो मेरे चैनल पर मैं कभी कभार टूर के वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ। डेली मैं कुकिंग का वीडियोस अपलोड कर देती हूँ और कभी कभार टूर का वीडियो अपलोड कर देती हूँ। अगर आपको केरला के टूरिस्ट पॉइंट देखने हैं, उसकी जानकारी चाहिए, तो आप मेरे वीडियो जरूर से देख लीजिए फ्रेंड्स। तो आप इस मोदक को घी में भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आप इसे घी में फ्राई करेंगे तो बहुत ही टेस्टी वाले मोदक बन जाएंगे। अगर आपको यूनिक अलग अलग तरीके के मोदक देखने हैं तो मेरे चैनल पर है, मैंने पहले ही आपको कहा है, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम मोदक को फ्राई करके लेंगे। जब तक इसके ऊपर ब्राउन कलर नहीं आता तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो बढ़िया टेस्टी वाले ये मोदक बन के रेडी हुए हैं, आप इसे ज़रूर बना कर देखिए फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो अभी हम इसे निकालेंगे और बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से एक्चुअल में ये दिखाई देते हैं। तो देखा ना फ्रेंड्स कितने प्यारे और यूनिक डिज़ाइन वाले मोदक बन के रेडी हुए हैं। तो मैं आपको एक कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से किस तरीके का लुक है इसका। तो देखिए इस तरह से हम इसे फोड़ कर देखेंगे, बहुत ही प्यारे सॉफ्ट वाले, अंदर से सॉफ्ट है बाहर से क्रिस्पी वाले ये मोदक बन के रेडी हुए हैं। तो कुछ इस तरीके की फीलिंग दिखाई देती है फ्रेंड्स। लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा टेस्टी वर्ल्ड।